सबका ये सवाल है, जादू करता जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11 तो दोस्तों आपने जो पहली क्लिप देखी थी ना कि यार उसमें हमने क्या किया था कि यार पानी को, पानी की बोतल को पानी में भर के इस प्रकार रोका था, आप समझ रहे हैं उसमें कोई जादू किया, टोना किया, फिर किसी केमिकल का इस्तेमाल किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसके पीछे का जो साइंस है ना काफी तगड़ा है, काफी तगड़ा है इसके पीछे का साइंस है, जो भले आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मान के चलो गुरुत्वाकर्षण बल आपने 7th क्लास में ही पढ़ा होगा, 8th क्लास में, 10th 11th 12th में भी पढ़ा होगा, और सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा कोई बात ना जो पढ़ाओ जान ना पढ़ो तो। लेकिन दोस्तों ये था, इसे कहते हैं जो हमने किया था एंटी ग्रेविटी, मतलब एंटी ग्रेविटी साइंस में। और दोस्तों एंटी ग्रेविटी और ग्रेविटी में काफ़ी ज़्यादा अंतर, अब दोनों ये जब दोस्तों आप लोगों को समझने के लिए ना दोनों ही समझने पड़ेंगे तभी आपकी समझ में ये आएगा, दोनों का ही प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। अब तो दोस्तों ये तो रहा एंटी ग्रेविटी का प्रैक्टिकल, अब यार इसका हम अगर ट्यूटोरियल दें तो आपको मात्र 15 सेकंड के अंदर ही ट्यूटोरियल दे देंगे, आप भी अपने घर पर इस प्रकार ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत ना, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, लेकिन देंगे कोई बात ना, बात देख लियो। और दूसरी बात यू है, और जो ग्रेविटी का प्रैक्टिकल है वो 2-4 दिन में आएगा, अभी थोड़ा काम चल रहा हो आप है, तो अब भाई फिलहाल बात करते हैं ग्रेविटी पर। अब दोस्तों ग्रेविटी की खोज कौन ने की, कब की, कैसे की, और एंटी ग्रेविटी कब की, कैसे की, सेम उसी में से निकल के आएगा प्रश्न। तो भाई आज से बात पहले की है 1661 ईस्वी की, जब मतलब न्यूटन 18 साल को हुए पढ़ने की उम्र आई बाकी, तो भाई क्या करो माने वो पढ़ने के लिए लंदन चले गए। अब लंदन जाने के बाद में क्या हुआ, माने 1 2 3 4 साल पढ़ो, पढ़ने के बाद में क्या हुआ, लंदन में आ गई, एक लंदन कौन सी यूनिवर्सिटी में, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए भाई। जाने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पहुँच गए तो भाई जैसे 3-4 साल बाद पढ़ाई करी, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तो भाई वहाँ एक नई बीमारी आ गई, प्लेग नाम की बीमारी है, तो एक एक करके आदमी मरते जा रहे, तो भाई यूनिवर्सिटी बंद है गई। तो वहाँ न्यूटन ने सोची यहाँ तो कुछ ना भाई, यहाँ तो निकल ही ले, तो भाई न्यूटन वहाँ थे, अपने यहाँ आ गए, अपने गाँव आ गए, घर आ गए, जहाँ भी आयो भाई, आने के बाद में क्या करो वाने भाई, अपने बाग में बैठ रहा परेशान हो 2-4 दिन रह के, अब जैसे बता ऐसे तो ना 2-4 दिन रह के परेशान हो, अब भाई जैसे ऊपर से एप्पल गिरो ना, अब एप्पल के नीचे बैठो, एप्पल के पेड़ के नीचे ऊपर से एप्पल गिरो, तो भाई न्यूटन साइंटिस्ट यो भाई जब तो पढ़ रहा हो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जाके, तो वन खोज लगाया भाई कैसे गिरो, तब जाके खोज हुई भाई ग्रेविटी की। लेकिन इसके साथ और भी मतलब कि जो बोलते हैं इंजीनियर थे साइंटिस्ट, हाँ तो दोस्तों इसके साथ और भी साइंटिस्ट थे, यही ना था कि यही इसी ने इसकी खोज की भाई, लेकिन पीछे की थी, पहले तो न्यूटन ने की, तो क्या हुआ भाई जैसे कर ली तब भाई यार अपनी रिसर्च करी होगी, ऐसे तो ना मैं यार आर्टिकल बताने लग जाऊँ तो यार 2 दिन लग जाएंगे आपको ऐसे समझाने में, तो भाई फिलहाल आप शॉर्ट में समझिए जल्दी। तो भाई क्या हुआ ऐसे यार, फिर वहाँ से ग्रेविटी खोजो, अब ग्रेविटी की परिभाषा क्या, अगर आपके पास एक नंबर में आ जाए तो ग्रेविटी की परिभाषा होती है पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे ग्रेविटी कहते हैं। और दोस्तों एंटी ग्रेविटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, जो आपने प्रैक्टिकल में देखा हो है ना। अब दोस्तों बात आ जाती है कि ग्रेविटी का हमारे जीवन में कितना महत्व रहता है, ग्रेविटी का हमारे जीवन में इतना महत्व है दोस्तों, हम ग्रेविटी के कारण ही चल पा रहे हैं, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण चल पा रहे हैं, लग रहा हो भाई, और रेलवे गाड़ी वाड़ी ट्रैक्टर वैक्टर सभी गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण चल रहे हैं। अगर दोस्तों हमारे जीवन या हमारी लाइफ में ग्रेविटी ना हो तो पता हो एक मिनट जब होगी जब हम अंतरिक्ष में पहुँच जाएंगे अगर ग्रेविटी ना हो दोस्तों। और एंटी ग्रेविटी का पता हो, अगर एंटी ग्रेविटी हो तो हम उड़ते रहेंगे, जहाँ रहेंगे स्थाई रहेंगे बिल्कुल, जैसा चमक रहे हैं ना आपस में एक दूसरे से दूर भगें, वो एंटी ग्रेविटी के कारण भगें। तो भाई आज की वीडियो यही थी, मैं कह रहा हूँ और थोड़ी घनी और भी बढ़ाने की कोशिश कर, पर लेकिन यार कोई पूरी वीडियो को देखता ही ना। ये था दोस्तों ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी में फर्क, आपने समझा होगा, ये बोतल और ये हमारे पास एक कागज का भी बोल सकते हो इसे, आप किसी का बना लो, प्लास्टिक के भी ऐसे गोल गोल से टुकड़े बना लो कुछ इस प्रकार, जो इसके ढक्कन पर आ जाए सेम। हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पर लगा लिए थे, अब यार पहले तो हमने स्टैंड पर लगा रखा था, स्टैंड पर नहीं मतलब स्टैंड पर था कैमरा, अब क्या किया था मैंने ऐसे किया, ये भर के बना ली बोतल की और कुछ इस प्रकार ऐसे करो, ऐसे करने के बाद में ऐसे करो, ऐसे करी ऐसे करी ऐसे करी ऐसे ऐसे मैंने ऐसे करके ऐसे लगा दिया,
अब एस लगाने के बाद में भाई क्या हुआ कि लग गो। अब दोस्तों इस प्रकार ये रुक गई आसानी से, कोई बात नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा। अब दोस्तों ये है एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी जिसे हम साइंस में एंटी ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण रोधक या रोकना फिर या कुछ करना मतलब उसे बोलते हैं, यही है जो। अब दोस्तों ग्रेविटी है उसका भी प्रैक्टिकल में एक या दो दिन में ले आऊँगा, मतलब कि मैं उसमें थोड़ी सी कमी आ रही, मतलब एक चीज़ नहीं मिल रही जो चाहिए उसके कारण। तो भाई इस प्रकार रुक जाती है सिंपली। भाई ये वीडियो मैंने टिकटॉक से लही, मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी तो मैंने जब ही सोच रहा मैंने कि पानी कैसे रुको, फिर मैंने एक दो दिन आप पढ़ो फिर जाकर निकाल पाओ, ऐसे आराम से रुक जाओ, कोई ऐसी बड़ी बात ना है, हम कोई जादू टोना ना। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जैसे मान चल रुपया सिक्का, तो यार बिल्कुल भी ना चलेगा। हमने सिक्का भी इस्तेमाल करके देखो क्योंकि उसका वेट रहता है वो काफ़ी रहता है, वो जल्दी गिर जाता है, वो पृथ्वी से अपनी ओर खींच लेती है, तो उसमें क्या होता कि उसमें ग्रेविटी आ जाती है। यहीं से आप एक प्रैक्टिकल निकाल लो, जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे तो ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच लेती है पृथ्वी, क्योंकि उसमें वजन रहता है भाई, अपनी ओर खींच लेती है। अब यार ये बहुत ही हल्का, बहुत ही हल्का, तो यार ये भी ऊपर का। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ यार इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ 112 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ये पसंद नहीं आई तो पहली में जाके देखो, और दोस्तों जो बालक ऐसी वीडियो देखना चाहे तो यार मैं हफ्ते में एक वीडियो ऐसी लाया करूँगा थोड़ी घनी देर बाद। तो भाई लाइक कर दो वीडियो, और सेकंड पार्ट देखना मत भूलिए यार, सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में, लव यू ऑल।